For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys and welcome to Movies Adda. This is your host and host Jyoti Nahak. Dosto, finally Notebook. Yes, yani Salman Khan Films production ki film jisme Zaheer Khan launch ho rahe hain aur uske saath saath hain Munish Bahl ji haan jinke saath Salman ko aap kaafi baar dekh chuke hain. Salman ke saath wo films karte hain. Unki beti ji haan Pranutan Bahl jo hai is film se debut kar rahe hain. Dono hi actors debut kar rahe hain aur trailer superb hai. जिस तरीके से एक लव स्टोरी दिखाई गई है ट्रेलर में और ट्रेलर के अलावा अगर मैं बात करूं दोनों की एक्टिंग की बात करूं तो अगर आप ट्रेलर में एक चीज़ नोटिस करेंगे तो वो ये है कि पूरे ट्रेलर के दौरान दोनों ही एक्टर्स यानी कि चाहे वो जहीर हो या फिर वो प्रणूतन हो दोनों ही एक साथ एक फ्रेम में बिल्कुल नज़र नहीं आए हैं. जी हाँ, यानी कि ये एक अनयूजुअल लव स्टोरी है और ऑफ कोर्स जिस तरह का सिनेरियो है जिस तरह के सीन्स ब्यूटीफुली दिखाए गए हैं ट्रेलर में जहाँ पर कश्मीर में ये फिल्म शूट हुई है तो ऑफ कोर्स वादियाँ तो बहुत अच्छी होंगी ही होंगी ऑफ कोर्स जिस तरीके से शूट किया गया है. उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बच्चे काफ़ी सारे हैं इस फिल्म में और सलमान खान का बच्चों से कितना लगाव है ये तो हम सभी जानते हैं, ये तो बताने वाली बात है नहीं. खैर, लेकिन हाँ, ट्रेलर में जिस तरीके से काफ़ी सारे बच्चे हैं और उन बच्चों को लेकर एक यू नो सेक्रेड लोकेशन पर जाकर शूट करना इज़ क्वाइट अ टफ डील, जिस चीज़ को सलमान खान फिल्म्स ने बखूबी पूरा किया है. और इन सब चीज़ों के बाद और जिस तरीके से जो दोनों एक्टर्स हैं काफ़ी रॉ एक्टर्स लग रहे हैं दोनों. रॉ इसीलिए मैं कह रही हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं जो है दोनों ही एक्टर्स काफ़ी इनोसेंस अपने साथ लेकर आए हैं ऑन स्क्रीन और एक इनोसेंस सी लव स्टोरी है जहाँ पर हीरो शायद हीरोइन से नहीं मिल पा रहा है. ये सिर्फ हम गेस कर सकते क्योंकि अभी तो सिर्फ ट्रेलर आया है, पिक्चर अभी बाकी है. और ट्रेलर देखने के बाद डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि दिस इज एन अनयूजुअल लव स्टोरी जो सिर्फ और सिर्फ एक नोटबुक से शुरू होकर नोटबुक पे खत्म हो जाएगी. और लास्ट टाइम जब सलमान खान आए थे तो वो वरीना और उसके साथ साथ आयुष शर्मा की जोड़ी को लेकर आए थे, लेकिन अब वो आए हैं जहीर और प्रणूतन की जोड़ी को लेकर. और ये जोड़ी बोला नहीं चाहिए बट ये जोड़ी उस जोड़ी से ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रही है एक्टिंग वाइज भी. अगर मैं वॉइस की बात करूँ तो जो एक्टर हैं लीड एक्टर हैं जहीर जो खुद भी डेब्यू कर रहे हैं इस फिल्म से, उनकी वॉइस काफ़ी पावरफुल लग रही है और दोनों ही एक्टर्स काफ़ी स्वीट सिंपल इनोसेंट और व्हाट शुड आई से दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही है. हालांकि दोनों एक फ्रेम में एक साथ बिल्कुल नजर नहीं आए हैं उसके बावजूद दोनों की केमिस्ट्री कहीं ना कहीं अच्छी लग रही है. सो ये तो था मेरा ट्रेलर रिएक्शन. मुझे ट्रेलर बहुत पसंद आया. प्लीज़ आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए कि आपको ट्रेलर कैसा लगा. एंड ऑल्सो डू नॉट फर्गेट टू सब्सक्राइब टू आर चैनल मूवीज अड्डा. दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ.